दोस्तों, अगर ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारे प्रिंटर में अवेलेबल होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे हम कम पेजेस में ज्यादा प्रिंटिंग कर सकते हैं, जिससे पेजेस की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा प्रिंटर नहीं खरीदा है जिसमें पहले से ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फिक्समा सीरीज का कोई प्रिंटर है, जैसे कैनन फिक्समा G1010 से लेकर के 3010 तक, या फिर एचपी का 410, 419, या फिर ब्रदर का कोई ऐसा प्रिंटर है जिसमें ऑटो ड्यूप्लेक्स की सुविधा नहीं है, तो बिना ऑटो ड्यूप्लेक्स के आप ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप किसी भी प्रिंटर में जिसमें जो अब मैं बताऊंगा वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, यानी पेज में दोनों तरफ निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो और आपके बहुत काम आने वाला है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आज मैं कैनन के G1010 प्रिंटर में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बाकी के प्रिंटर्स में भी ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एचपी की 410 सीरीज वाले, या फिर ब्रदर के डीसीपीटी 420, डीसीपीटी 520, सब में सेम तरीके से आप ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं डिटेल में आपको एक स्टेप बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे जिससे हम पेज में दोनों तरफ प्रिंटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो प्रिंटर है वो कोई ऑटो ड्यूप्लेक्स फीचर के साथ नहीं आता है, ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग इसमें नहीं है। कैनन का G1010 ये मॉडल है, ये एक इंक टैंक प्रिंटर है, और जो मॉडल मैंने आपको बताया है जिनमें ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है, ये उनमें से एक है, और इसमें हम लोग ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहां देखिए मैंने यहां एग्जांपल के लिए ले लिया है, मुझे यहां चार पेजेस प्रिंट करने हैं और एक ही पेज में आगे पीछे करके प्रिंट करना है। तो मैंने पहले पेज में लिख लिया है ऑनलाइन जुगाड़ page 1, page 2, page 3, और इसके साथ ही ये page number 4। तो नाउ वी हैव 4 पेजेस टू प्रिंट, और ये हमें आगे पीछे एक ही पेज में यानी कि ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग की तरह से प्रिंट करना है एक साथ। तो क्या करेंगे इसके लिए, बहुत सिंपल सा स्टेप है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी प्रिंटर जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया उनसे ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, कंट्रोल पी दबा देना है, यानी कि प्रिंट की कमांड देनी है, और इसके बाद आपको जाना है प्रिंटर, जो भी प्रिंटर आपके पास है, मेरे पास कैनन G1010 है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, ये कॉमन ऑप्शन मिलेगा आपको हर जगह। इसके बाद जैसा भी आपको प्रिंट निकालना है वो आप प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद यहां पर आपको अपने प्रिंटिंग के सेटअप पे देख लीजिएगा, आपको ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन ढूंढना है, मेन में नहीं है, पेज सेटअप में, मोस्टली पेज सेटअप में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है स्टेपलिंग साइड लॉन्ग साइड, उसके ऊपर लिखा है ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग मैनुअल, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बस अब आपका काम हो गया। बोथ साइड प्रिंटिंग भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ सकता है, आप इस तरह का ऑप्शन अपने समझ से देख लीजिएगा, जहां पर डबल साइडेड प्रिंटिंग का ऑप्शन लिखा हो, डबल साइडेड प्रिंटिंग लिखा हो, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग लिखा हो, या बोथ साइड लिखा हो, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद कोई सेटिंग एक्स्ट्रा आपको नहीं करनी है, जस्ट आपको इसे ओके कर देना है, और उसके बाद आपको यहां से जैसी भी प्रिंटिंग करनी है, फास्ट या फोटो प्रिंटिंग जैसा भी है, उसका ऑप्शन चूज कर लेना है आपको, मैंने हाई क्वालिटी लगा रखा है, और इसके बाद ओके करके बस प्रिंट कमांड आपको दे देनी है। और देखिए यहां प्रिंटर ने कमांड ले ली है, तो क्या करेगा, जैसे मुझे चार पेजेस निकालने, तो सबसे पहले ये page number 1 निकालेगा, उसके बाद page number 3 निकालेगा, क्योंकि 1 के पीछे page number 2 होना चाहिए, ये देखिए page number 1 निकाल दिया, और 1 के पीछे 2 होना चाहिए, तो 2, और 3 के पीछे 4 होना चाहिए, तो 4, ये दोनों ही बाद में निकालेगा। उसके लिए आपको मैं बताता हूं करना क्या है, पहले इन दोनों पेजेस को निकल जाने दीजिए, ये देखिए इसने 1 निकाला, page number 1 और page number 3। अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे page number 3 के पीछे चाहिए page number 4, इसी तरह से मुझे page number 1 के पीछे चाहिए page number 2, तो मुझे बस इसको इस तरह से पकड़ना है, और जो पहले निकला था उसको इस तरह से इसके पीछे सामने, देखिए मेरे पास ये है, इस तरह से प्रिंटिंग निकल के आई थी, जो पेज पहले आया था उसको पहले रखिए, जो बाद में आया था बाद, बिल्कुल बस ऐसे उठाइए और इसको उठा करके इस तरह से यहां पर रख दीजिए प्रिंटर में,
बस। और उसके बाद यहाँ देखिए, जैसे ये दो पेजेस की प्रिंटिंग फिनिश हुई, हमारे पास ऑप्शन आ गया और इस ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि अब आगे के पेज प्रिंट करने हैं आपको। इसने बताया भी पेज यहाँ से उठाइए, इस तरह से उसको ऐसे पलट के रख दीजिए और बस इसको स्टार्ट प्रिंटिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब जो बचे हुए पेजेस हैं, यानी कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4, पेज नंबर 2 को पेज नंबर 1 के पीछे प्रिंट कर देगा ये, और पेज नंबर जो 4 है उसको पेज नंबर 3 के पीछे प्रिंट कर देगा। इस तरह से आप बिना ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग के फीचर के एक ही पेज में दोनों तरफ बड़े आराम से प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 1 और इसके ठीक पीछे ही आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 2, ऐसे ही पेज नंबर 4 के पीछे पेज नंबर 3 को प्रिंट कर देगा। प्रिंटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। बस आपको प्रिंटर को हटाना नहीं है, मतलब पेज को हटाना नहीं है, बाद में सारे इकट्ठा पेज उठा लीजिए तो बिल्कुल सीरियल से ही निकल के आएंगे। ये देखिए पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 4। तो दोस्तों देखा आपने कि बिना ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग के आप किसी भी प्रिंटर में ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से आपने पेज में दोनों तरफ ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कर ली बिना ऑटो ड्यूप्लेक्स के फीचर के। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आया हो, आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे आज पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी की वीडियो, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।